खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां सियालकोट सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की सियालकोट साबिक सूबाई वजीर बल्दियात एम पी अमन शाह लबट की जोजा मोहतरमा की वफात पर इजहार ताजियत और फातह खानी के लिए उनकी रिहाइश का आमद पर मीडिया से गुफ्तगु। रिपोर्ट वहीद अहमद, डिप्टी ब्यूरो चीफ ग्रेट न्यूज सियालकोट। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए और जनाब मंजरा भट्ट साहब और उनके घर वालों सबको सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा मियां साहब, जो गजा में हो रहा है, जो ज़ालिम ढाए जा रहे हैं, इस वाले से आप क्या कहेंगे? कल मैंने असम्बली में स्पीच की है, कल में मैंने हर चीज़ वहाँ पर कह दी है। एक जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है और इसराइल के जो इंतहा पसंद हैं उनका हाथ रोकने वाला कोई नहीं। मेरी दरख्वास्त है दुनिया की आलमी ताकतों से और तमाम इस्लामी ममालिक से कि वो फिल्म और वो अपनी तमाम जरूरतों को मुस्तमय करें और फिल्म और जो गजा में और यरूशलेम में जो लोग बेगुनाह शहीद किए जा रहे हैं उनको फिल फौर बंद करवाया जाए और उसका अगला मरला ये है कि जब तक के फलस्तीन को फलस्तीन की आवाम को उनके हकूक नहीं मिलते ना फलस्तीन में चैन कायम होगा ना ही कश्मीर में।